हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कोल्हे हूँ। आज मैं आपको नागरिक शास्त्र पढ़ाने वाला हूँ। यह कार्यक्रम मुंबई महानगर पालिका की ओर से चलता है और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम नागरिक शास्त्र शुरू करेंगे। विषय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ बच्चों। तो कहानी को बहुत ध्यान से सुनो, कहानी बहुत अच्छी है। एक गांव में मुन्नू नाम का लड़का रहता है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और दो छोटे भाई बहन रहते हैं। वह बहुत होशियार रहता है और रोज पाठशाला जाता है। एक बार क्या होता है, जो पाठशाला जाता है तो उस समय वह उसकी पीटी टीचर उसको आके बताती है कि आज हमारे पाठशाला में एक प्रतियोगिता रखी गई है। उस प्रतियोगिता में जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो उसी बीच सोमू भी अपने पीटी टीचर के पास जाता है और कहता है कि टीचर, मैं भी दौड़ना चाहता हूँ, मेरा भी नाम लिखिए। तो पीटी टीचर उसका नाम लिखती है और कुछ देर के बाद में दौड़ की स्पर्धा शुरू होती है। स्पर्धा शुरू होने के बाद जब जैसे ही विसल बजती है तो सोमू बहुत तेजी से भागने लगता है और वह सबसे पहले जाकर उधर जो अंतिम रेखा होती है उस रेखा पर पहुंच जाता है। परंतु क्या होता है कि पीटी टीचर उसको पहला नंबर नहीं देती। इसके कारण क्या होता है कि सोमू बहुत नाराज हो जाता है और वह पाठशाला छूटने के बाद घर जाकर बिल्कुल शांत बैठा रहता है। शांत बैठने के बाद जब उसके मम्मी पापा उसके पास आते हैं तो देखते हैं कि सोमू बहुत उदास है। उदास होगा, क्या कारण होगा, यह वो विचार करते हैं और सोमू को पूछते हैं, बेटा क्या हुआ कि आप बहुत ही उदास बैठे हो? तो सोमू अपने पापा को बताता है कि आज हमारे पाठशाला में एक खेल स्पर्धा हुई जिसमें मैंने दौड़ में भाग लिया था। जब मैं सबसे पहले भागा और सबसे आगे पहुंचकर मैं लाइन को पार कर लिया, लेकिन टीचर ने मुझे पहला नंबर नहीं दिया। तो पापा भी सोच में पड़ जाते हैं कि इसको पहला नंबर क्यों नहीं दिया। तो सोमू को बताते हैं, कल आप अपने पाठशाला में जाना और टीचर से पूछना कि आपको पहला नंबर क्यों नहीं दिए। अगले दिन सोमू ऐसा ही करता है। वो अपने पीटी टीचर के पास जाता है और पूछता है, टीचर मैं कल तो दौड़ में सबसे आगे था तो मैं पहला नंबर क्यों नहीं आया? तो टीचर बताती है कि बेटा तुम दूसरे के बॉक्स में चले गए थे और दौड़ में सीधा अपने बॉक्स ही दौड़ी दौड़ करना पड़ता है। अगर दूसरे के बॉक्स में जाकर आप दौड़ करोगे तो वो आप आगे जाने के बाद भी हार जाते हैं। तो इस तरह जब अगली बार स्पर्धा होती है तो सोम फिर से भाग लेता है और वो अपने ही लाइन के अंदर में, अपने ही बॉक्स के अंदर में सीधा सीधा भागता है और वहाँ जीत जाता है और टीचर उसको तब पहला नंबर देती है और वहाँ सोमू बहुत खुश होता है। तो बच्चों, एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? ऐसे ही हमारे समाज में होता है। अब समाज को अच्छे से चलाना है तो समाज के कुछ नियम होते हैं। इन जैसे अब वो सोमू को कुछ नियम समझे नहीं तो उसको बताने के लिए उसकी पीटी टीचर थी, है ना? वैसे ही समाज के नियम अगर मालूम ना हो तो इसकी देखरेख करने के लिए समाज में स्थानिक स्वराज्य नाम की एक संस्था होती है जिसमें गांव के नियम, गांव में कौन कौन सी चीजें होना चाहिए, गांव का विकास किस तरह होगा, ये सभी योजनाएं उस स्थानिक स्वराज्य संस्था से करती है। ऐसी ही स्थानिक स्वराज्य के संस्थाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे।
तो बच्चों पाठ की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्थानीय स्वराज्य संस्था क्या है। तो समाज का नियमन करने के लिए, अगर समाज में कोई किसी प्रकार की गलत बातें हो जाती है तो गलत बातें को या झगड़े को निपटारा करने के लिए समाज में एक समिति होती है जिसको बोलते हैं तंटा मुक्ति समिति। वहाँ उसका देखरेख करती है और उनकी समस्या को जानकर उसको हल करती है। शहरों में भी ऐसी संस्थाएं होती है, जैसे हमारे शहरों में अगर हमारे पड़ोस में बहुत सारा कचरा है तो हम लोग क्या करते हैं, उस कचरे को दूर कचरे के लिए कचरा विभाग में फोन करते हैं और बताते हैं हाँ बहुत कचरा है। तो उधर से बीएमसी की गाड़ी आती है और वह कचरा कचरा की गाड़ी आती है ना बीएमसी वाली, और वो कचरा को उठाकर ले जाता है। तो ऐसी ही जो चीजें है वो हमारी स्थानिक स्वराज्य संस्था करती है। अब स्थानिक स्वराज्य संस्था एक ही काम नहीं करती, तो बहुत सारे काम करती है, उसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अपन अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक ग्रामीण और एक नगरीय। ग्रामीण में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इस तरह होती है, और नगरों में नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका, इस तरह ये संस्थाएं कार्य। हम अपने देश भारत देश में रहते हैं, यह भारत देश एक लोकतंत्र गणराज्य है, तो इसकी भी वैसी संरचना होती है। पूरे देश का जो शासन है वो संघ शासन कहलाता है और वो संघ शासन चलाती है। उसके बाद हमारे आते हैं राज्य, फिर उस राज्यों का शासन राज्य शासन करती है, और जब गांव या जिले वगैरह है इनका शासन स्थानीय शासन संस्थाएं चलाती है। तो आज हम ऐसे ही संस्थाओं के बारे में जानेंगे। ओके, हाँ तो बच्चों आज हम ग्रामीण स्थानीय शासन संस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि उन संस्थाओं के कार्य क्या है, वह गांव में किस तरह कार्य करते हैं, स्वास्थ्य विषय उसके कार्य है क्या है, अब पाठशाला के विषय जैसे शिक्षा विषय उसके क्या कार्य है, जल आपूर्ति, पानी की व्यवस्था कराना, बिजली कराते, ये सभी हम लोग आज के पाठ में सीखने वाले हैं। तो आज के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में हम सरपंच कौन होता है, वो कौन से कार्य करता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर ग्राम सभा के बारे में जानेंगे, ग्राम सभा क्या कार्य करती है। फिर ग्राम सेवक के बारे में जानेंगे, ग्राम सेवक क्या कार्य करता है। उसके बाद हम पंचायत समिति के बारे में जानेंगे, पंचायत समिति क्या है इस संबंध में उसका अर्थ जानेंगे। उसके बाद पंचायत समिति के कुछ पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और फिर पंचायत समिति के कार्य। इस तरह आज हम इस पाठ के अंतर्गत ये सब चीजें जानने वाले हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत, जैसे कि प्रत्येक गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है। जैसे अपन शहरों में रहते हैं तो शहरों का जो प्रशासन है नगर पालिका या महानगर पालिका चलाती है। जैसे अपन बड़े शहरों में रहते हैं तो महानगर पालिका, और छोटे शहरों में रहते हैं तो नगर पालिका वहाँ का प्रशासन चलाती है। उसी तरह जैसे अपन गांव में रहते हैं ना, बहुत सारे लोग गांव में रहते, गांव का भी कोई ना कोई प्रशासन चलाती है, तो गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है। तो ग्राम पंचायत शुरू होने के कुछ नियम होते हैं कि किस गांव में ग्राम पंचायत होगी। तो जिस गांव में जनसंख्या 500 से कम होती है तो वहां स्वतंत्र ग्राम पंचायत नहीं होती। तो ऐसे वक्त में
दो या दो से अधिक गांवों से मिलकर एक ग्राम पंचायत होती है, जिसको ग्राम पंचायत खंड कहते हैं। और बच्चों, ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होते हैं और कौन कौन होते हैं, ये बारे में बता देता हूँ। ग्राम पंचायत में कम से कम 7 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक 17 सदस्य होते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है? तो इसका चुनाव 5 साल के बाद में निर्वाचन होता है या चुनाव होता है, और चुनाव में चुने गए में से ही एक सरपंच और एक उप सरपंच, ऐसे वो आपस में चुने गए सदस्य चुनते हैं। अब ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करती है? जैसे पेयजल की आपूर्ति, हम देखते हैं कि हमारे शहर सुबह में या शाम को नल आता है, तो यह नल की सुविधा कौन करके देता है? तो वहां की नगर पालिका। उसी तरह ग्राम पंचायत में भी पेयजल की आपूर्ति का कार्य ग्राम पंचायत करती है। अब कई कई गांव में क्या होता है कि कुएं होते हैं, उन कुओं का पानी खराब हो जाता है बरसात के समय में, तो उनमें ब्लीचिंग पाउडर डालने का कार्य भी ग्राम पंचायत कराती है, और पानी स्वच्छ मिले सभी को इसकी वह ध्यान रखती है ना बच्चों? उस तरह गांव में भी बिजली की व्यवस्था, जैसे अपने शहरों में बिजली की व्यवस्था नगर परिषद करा के देती, नगर पालिका की जो होती है वो करा के देती है, तो उसी तरह गांव में भी बिजली की व्यवस्था करा के देने का कार्य ग्राम पंचायत कराती है। उसके बाद में जैसे हमारे गांव में कोई बच्चा जन्म ले लिया, या तो उसकी नोंदनी होनी चाहिए, उनका पंजीकरण होना चाहिए, तो हम ये पंजीकरण कहाँ कराएंगे? अगर शहरों की बात है तो हमको शहरों को मालूम होता है कि अगर पालिका की ऑफिस होती है वहां अपन उसकी नोंद कराते हैं, तो ऐसे ही गांव में इसकी नोंद ग्राम पंचायत में जाकर कराना पड़ता है। फिर कोई मर गया तो उसके मृत्यु की भी नोंद की, के बाद विवाह हो गया, विवाह होने के बाद तो उसका विवाह का भी पंजीकरण करना पड़ता है, ये सभी कार्य ग्राम पंचायत करती है। ओके बच्चों, अब ग्राम पंचायत में कौन कौन कार्यरत रहते हैं इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी देख लेते हैं। ये देखो ग्राम पंचायत के फोटो दिखाई दे रही है आप लोग को, चित्र दिखाई दे रहा है ना? ऐसा ग्राम पंचायत कार्यालय गांवों के बीच में होता है ताकि सभी को आने जाने के लिए अच्छा हो। गांवों के मध्य भाग में ग्राम पंचायत कार्यालय होता है, जिसमें अपनी समस्या लेकर, कोई भी समस्या जैसे रोड खराब है, रोडों में गड्ढे है, तो इसकी समस्या अपन ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर बताते हैं, पत्र देते हैं कि हमारे मोहल्ले में या हमारे पड़ोस में ऐसे ऐसे रोडों में गड्ढे हो गए हैं, तो उसमें गिट्टी और मुरम डालने की व्यवस्था करें। ओके बच्चों, इसलिए यह ग्राम के बीच में होता है, बीचों बीच मध्य भाग में ग्राम पंचायत कार्यालय होता है। अब ग्राम पंचायत कार्यालय में सरपंच, जैसे शहरों में नगर अध्यक्ष होता है, वैसे ही गांव में सरपंच होता है। यह सरपंच गांव का प्रथम व्यक्ति सरपंच को कहते हैं। अब सरपंच का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है, 5 वर्ष होने के बाद में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, और जो सदस्य चुनकर आते हैं उनमें से ही एक सरपंच चुनते हैं और एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं। जैसे कोई समस्या आ जाती है तो अपन अपनी समस्या दोस्तों से या अपने मम्मी पापा से शेयर करके उसको हल कर लेते हैं, वैसे ही ग्राम संबंधी बहुत सारी समस्या होती है तो ये सदस्य आपस में चर्चा करते हैं और ग्राम पंचायत में सभा लेते हैं, और उनमें सरपंच की अध्यक्षता में यह सभा पूर्ण होती है। ओके बच्चों, गांव की विकास योजना को प्रत्यक्ष रूप में पूर्ण करवाने का दायित्व सरपंच का होता है। जैसे गांव में बहुत सारी योजनाएं आती है, जैसे रोडों का नवीनीकरण करना, या फिर खेती संबंधित बहुत सारे बीज बियाने आ जाते हैं तो उनको उपलब्ध कराना,
गांव में शिक्षा संबंधी बहुत सारी योजनाएं आती है, तो ऐसी योजना को पूर्ण करवाने का दायित्व उस गांव के सरपंच का होता है। आपको याद होगा, आपने कई बार देखे गांव, तो पहले वह मुखिया आज का सरपंच हो गया है। पहले का गांव का मुखिया आज का सरपंच के नाम से जाना जाता है। जैसे पहले गांव का मुखिया सब मिलकर चुनते थे ना कि ये हमारा मुखिया है, यह गांव की पूरी जिम्मेदारी उठाता है था, तो उसी तरह सरपंच भी गांव का मुखिया होता है और वह गांव की पूरी जिम्मेदारी उठाता है। ओके, यदि सरपंच कभी अपनी बहुत मनमानी कर रहा है या उचित पद्धति से काम नहीं करता, तो ऐसे में क्या करेंगे? वो तो अपनी बहुत मनमानी कर रहा है और सरपंच अपना कार्य बरोबर कर नहीं रहा है, तो ऐसे समय में क्या सरपंच को निकाल सकते हैं या सरपंच को उसके पद से हटा सकते हैं? हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं? कि उसके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव रखना पड़ता है। उस सभी सदस्य मिलकर उसके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं, तब जाकर सरपंच को उसके पद से हटा सकते हैं। अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो फिर सरपंच नहीं हो या सरपंच कुछ काम से कार्यालय में उपस्थित नहीं होता, तो सरपंच की अनुपस्थित में उप सरपंच ग्राम पंचायत के काम का संभालता है। जैसे कैप्टन होता है ना, कैप्टन नहीं आया तो पाठशाला में अगर सर नहीं है तो उप नायक या उप कैप्टन अपने पाठशाला को संभालता है। उसी तरह भी ये ग्राम पंचायत में सरपंच न होने पर उप सरपंच ग्राम पंचायत के कार्य करता है। ओके, अब ग्राम पंचायत में और एक अधिकारी होता है जिसका नाम होता है ग्राम सेवक। तो ग्राम सेवक का चुनाव चुनाव सरकारी रूप से होता है, उसको लोगों द्वारा नहीं चुना जाता। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, वह ग्राम सेवक को नियुक्त। कि जो ग्राम पंचायत के दैनिक कार्य है उसको ध्यान रखना, पत्र व्यवहार करना, सरकारी पत्र व्यवहार करना पड़ता है, कोई पत्र आया तो उन पत्रों का उत्तर भी देना पड़ता है, तो उसका उत्तर देना, उन पत्रों को समझना और सरपंच को इसकी जानकारी देना, ये कार्य ग्राम सेवक करता है। बस यही कार्य करता है क्या ग्राम सेवक? और कोई कार्य करता होगा कि नहीं? तो ग्राम सेवक ग्राम पंचायत की विकास योजना की जानकारी ग्राम पंचायत ग्रामीणों को देता है। ग्रामीणों को मतलब गांव के लोगों को देता है कि इस तरह सरकारी योजना है, जनधन योजना के खाते खुले, तो यह सूचना ग्राम सेवक ग्रामीणों को देता है, गांव के लोगों को देता है। जो नई नई योजनाएं आती है तो उन योजनाओं की जानकारी ग्राम सेवक ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव के लोगों को देता है। ऐसे बहुत सारे कार्य करता है। एक बात ध्यान रखो, ये ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है। सचिव के जो भी कार्य है, जैसे पत्रों की जानकारी रखना, लेखा जोखा करना, जैसे ये सभी कार्य, जैसे पत्र व्यवहार मतलब सरकारी पत्र आते हैं या कोई उत्तर मांगता है, कोई पत्र लिखता है कि मुझे ये जानकारी देना है, तो ये जानकारी ग्राम सेवक सरपंच से विचार करके उसको पहुंचाता है ना बच्चों? तो ग्राम सेवक एक सरकारी अधिकारी है। इसकी नियुक्ति गांव के लोग नहीं करते, इसकी नियुक्ति जिला परिषद के मुख्य कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। ध्यान रहेगा बच्चों? उसके आगे अब चलते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा ये एक मुख्य चीज है। ग्राम सभा में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, गांव के रहने वाले अथवा गांव के सभी मतदानों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं।
गांव के सभी मतदाताओं की सभा होती है और उस सभा को ग्राम सभा कहते हैं। और प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की 6 बैठक होना अनिवार्य है। ये बात ध्यान रखो बेटा, अगर आपके दादा दादी गांव में रहते हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक साल में यानी प्रत्येक वर्ष गांव में ग्राम सभा 1 साल की 6 बैठकें होनी चाहिए। कम से कम 6 बैठक होना अनिवार्य है। इसको ध्यान रखो कि ग्राम सभा की प्रत्येक आर्थिक वर्ष में 6 बैठकें होना अनिवार्य है। इसके लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार होती है। इसकी जो आयोजित करने का दायित्व किस पर होता है, तो यह आयोजित करने का दायित्व सरपंच पर होता है। यह सरपंच ही ग्राम सभा का आयोजन कराता है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा जो वार्षिक वृत्तांत है, आय व्यय के हिसाब ग्राम सभा में चर्चा की जाती है, हिसाब दिया जाता है और लोगों के सामने बताई जाती है कि इस वर्ष का आर्थिक व्यवहार इस तरह चलने वाला है, इस प्रकार हमारे कार्यालय में आय होगी और हम इस आय का खर्च करेंगे। यह पूरा हिसाब ग्राम सभा की प्रथम बैठक में सरपंच ग्रामवासियों को देता है ना बच्चों? ग्रामवासी अपने इस सभा में अपने प्रश्नों के उत्तर सरपंच से पूछ सकता है कि मतलब जैसे गांव में खेती संबंधी बहुत, जैसे नहर का पानी नहीं आ रहा है और धान सूख रहा है, फसलें सूख रही है, तो ग्राम सभा में वहां यह मुद्दा रख सकता है कि जल आपूर्ति के लिए आप पत्र व्यवहार करके हमारे गांव में जो नहर सिंचाई के लिए नहर उपलब्ध है उसमें पानी छोड़ा जाए। तो इस तरह बहुत सारी समस्याएं ग्रामवासी या ग्राम सभा के सहायता से सरपंच को बताते हैं। ग्राम सभा की सूचना ग्राम पंचायत को दी जाती है। सरपंच ग्राम पंचायत के अन्य सदस्य को ग्राम सभा की सूचना देता है और ग्राम पंचायत की विकास योजना को ग्राम सभा मान्यता देती है। इसमें जो ग्राम सभा के प्रमुख अतिथि होते हैं, प्रमुख जो होते हैं वो लोग जो विकास योजना है गांव के विकास के लिए यानी गांव के समृद्धि के लिए, तो इसके लिए जो योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं को मान्यता देने का कार्य ग्राम सभा करती है। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन से लोग पात्र हैं? बहुत सारे शासन की योजना आती है। अभी शासन की योजनाओं में हम देखते हैं कि रोजगार हमी योजना, लोगों को गर्मियों में काम नहीं होता गांव के लोगों को, तो उनको काम मिले इसके लिए रोजगार हमी योजना होते हैं। तो इसमें कौन लोग पात्र है? अभी घरकुल योजना आई है गांव में, अभी घरकुल योजना आई है। घरकुल योजना में जो लोग बहुत गरीब है, दारिद्र रेखा के नीचे रहते हैं, तो उनके लिए सरकार घर बना कर देती है। तो इस नियम में कौन लोग बैठते हैं, कौन लोग पात्र है, यह निश्चित करने का अधिकार ग्राम सभा को होता है। यह सरपंच अपने मनमानी से यह नहीं कर सकता कि यही व्यक्ति को घरकुल मिले, तो इसका निश्चय कौन करता है? इसका निश्चय ग्राम सभा करती है। ध्यान रहेगा बच्चों, ये देखो इस तरह ग्राम सभा में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और जो मतदाता है वह अपनी बात रखते हैं और उस बात का विचार करके प्रति की जाती है। अगर बात बहुत अच्छी है तो उसका पालन भी किया जाता है। ओके बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की आय के स्रोत। अब ग्राम पंचायत चलाने के लिए उनको पास कुछ आय होना चाहिए ना, कुछ पैसा कैसे आएगा, तो उसके लिए भी कुछ योजनाएं होती है। तो ग्राम के विकास के लिए ग्राम पंचायत अनेक योजना और उपक्रम चलाती है। इसके लिए ग्राम पंचायत के पास धन होना आवश्यक होता है ना, तो ग्राम पंचायत में विविध करों के माध्यम से धन एकत्रित होता है। विविध कर मतलब कौन सा? आवास कर, जो मकान में हम रहते हैं ना तो उसका घर टैक्स देना पड़ता है, प्रत्येक वर्ष में हमको वो घर टैक्स देना पड़ता है, तो उसको आवास कर कहते हैं। जल कर, जैसे
गांवों में अगर नल की व्यवस्था है तो नलों का मासिक पैसा देना पड़ता है, महीने का उसका पैसा देना पड़ता है। साप्ताहिक हाट कर, साप्ताहिक हाट कर मतलब गांवों में साप्ताहिक बाजार होता है, उस बाजारों में बैठ जो व्यापारी सब्जी भाजी का बेचते हैं ना, उनको उसका कर देना पड़ता है। तो इस तरह से उसको आय मिलती है। यात्रा कर जैसे रोड है, रोडों का टैक्स भी ग्राम पंचायत वसूल करती है। उसके बाद राज्य सरकार और जिला परिषद से प्राप्त अनुदान, कुछ अनुदान ग्राम पंचायत को चलाने के लिए राज्य सरकार उपलब्ध कराती है, जिला परिषद भी उपलब्ध कराती है। इस तरह ग्राम पंचायत का आय उसको प्राप्त होती है और उसी आय से वह ग्राम का विकास करने के लिए खर्च कर। अब आता है पंचायत समिति। अब प्रत्येक तहसील में सभी गांवों को मिलाकर एकत्रित विकास खंड होता है। एक तहसील में 8-9 गांव होते हैं, तो उस सॉरी प्रत्येक तहसील में सभी गांवों को मिलाकर एक विकास खंड तैयार होता है। इस विकास खंड में जो है बहुत सारे गांव होते हैं, उन गांव से मिलकर यह पंचायत समिति तैयार होती है। विकास खंड तैयार होने पर उसका जो प्रशासन का कार्य करती है, उसकी जो नियमावली का कार्य करती है, वो पंचायत समिति की देखरेख में होता है। बहुत सारे गांवों से मिलकर जो एक तहसील के अंदर कर, जैसे एक तहसील में 10 गांव आ रहे हैं या 8 गांव आ रहे हैं, तो उस 8 गांव से मिलकर एक विकास खंड होता है और उस विकास खंड का प्रशासन का कार्य पंचायत समिति करती है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद इन दोनों को जोड़ने की एक कड़ी है, एक सेतु है। जैसे ब्रिज होता है ना, ब्रिज एक किनारे से दूसरे किनार को जोड़ता है, उसी तरह ग्राम पंचायत को जिला परिषद से जोड़ने का कार्य पंचायत समिति करता है। याद रहेगा बच्चों? तो यह पंचायत समिति कैसे बनती है? तहसील में, एक तहसील में मान लो 10 से 12 गांव है, तो उस गांवों को मिलकर एक विकास खंड तैयार होता है, उसको ही पंचायत समिति कहते हैं, है ना बच्चों? पंचायत समिति के पदाधिकारी। अब पंचायत समिति में कौन कौन पदाधिकारी होता है? तो सबसे पहले पंचायत समिति में सभापति होता है और दूसरा उपसभापति होता है, उसके बाद में बाकी सदस्य होते हैं। तो पंचायत समिति में कुल, पंचायत समिति में कम से कम 15 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक 45 सदस्य होते हैं। तो पंचायत समिति में, पंचायत समिति का भी चुनाव 5 वर्ष में ही होता है। बच्चों ध्यान रखो कि जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, उसी तरह पंचायत समिति का भी जो चुनाव है प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। और पंचायत समिति में जो उस पंचायत समिति के अंतर्गत गांव आते हैं, उन गांव के मतदाता यह वोटिंग करते हैं। और हमें वोटिंग का अधिकार कब मिलता है? वोटिंग का अधिकार हमको जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं और मतदाता यादी में हमारा नाम आता है, तब हम सकते हैं। 18 साल होने के बाद जब हमारा मतदाता यादी में नाम आता है, तब हम वोटिंग कर सकते हैं। याद रहेगा बच्चों? तो उसी तरह पंचायत समिति का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, यानी वोटिंग 5 वर्षों में होती है। और पंचायत समिति में चुनकर आए हुए सदस्य, जो चुनाव में जो सदस्य चुने गए हैं, उन सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को सभापति नियुक्त करते हैं और दूसरे को उपसभापति का चुनाव किया जाता है। ये चुनाव कैसे किया जाता है? तो ये बहुमतों के अधीन यह चुनाव करते हैं। जैसे ये मान लो 19 लोग है, एक पंचायत समिति में 19 लोग है और 10 लोग एक व्यक्ति को सभापति बनाने के लिए राजी है और 9 लोग नहीं है, तो 10 लोग जिस तरह राजी है तो वह व्यक्ति सभापति बनेगा। अगर 10 लोग राजी नहीं है तो सभापति नहीं बन सकता। इसीलिए जब 50% से ऊपर मत हमें मिलते हैं तब वह सभापति बन सकता है। ओके। पंचायत समिति की बैठक बुलाने और प्रशासन कार्य चलाने की जिम्मेदारी सभापति की होती है।
पंचायत समिति में जो जैसे गांव में सरपंच कार्य करता है, उसी तरह पंचायत समिति में सभापति काम करता है। पंचायत समिति की बैठक बुलाना, उसका प्रशासन कार्य करने का जो काम होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो सभापति करता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति पंचायत समिति का प्रशासन कार्य करता है। सभापति की अनुपस्थिति में अगर सभापति किसी कारणवश पंचायत समिति में उपस्थित नहीं हो पाता, तो उस पंचायत समिति का प्रशासन या उसका कार्य करने का अधिकार उपसभापति को प्राप्त होते हैं। ध्यान रहेगा बच्चों। अब पंचायत समिति कौन कौन से कार्य करती है? अब पंचायत समिति के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है लोगों के कार्य, जैसे सड़कें निर्माण करना, नालियाँ, कुएं, नलकूप, बोरवेल। जैसे गांव में अपन देखते हैं एक बड़ी कुआ होती है, एक बड़ी कुआ घर के सामने बहुत बड़ी कुआ होती है। वह कुआ जो है वो कुआ पंचायत समिति के द्वारा ही पास करके वह बनाई जाती है। अभी तो प्रत्येक गांव में नलकूप बनाए गए हैं, बोरवेल है ना। जैसे बोरवेल जो डंडा रहता है, उस डंडे को मारने से पानी बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं बोरवेल। तो ये एक बोरवेल का कार्य है। सड़कें, अगर सड़कें खराब हो गई तो उसके दुरुस्ती का कार्य पंचायत समिति करती है। छोटे मोटे जैसे गड्ढे वड्ढे हो गया, मुरम्मत डालना है, तो वह कार्य ग्राम पंचायत करती है। लेकिन उसको दुरुस्त करना है, पूरी तरह अच्छी से बनाना है, तो उसका कार्य पंचायत समिति कराती है। फिर दूसरा आता है स्वास्थ्य संबंधी कार्य, रोग प्रतिबंधक टीके, जैसे पोलियो के टीके हो गए, जैसे कुछ बहुत सारे टीके होते हैं, ऐसे टीके पंचायत समिति लोगों से खुद करवाने का कार्य करती है। यह कैसे करती है?